दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं आप लोगों को मेरी गोल लगाना बताऊंगी, मेरी गोल को कैसे ग्रो करना है और इनके लगाने के तरीके कौन कौन से हैं, लगाने के बाद केयर कैसे करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। तो वीडियो में आप लोग दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जरूर चाहिएगा। साथ में दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों ये जो हमारा मेरी गोल्ड देख रहे हो ये सीड से हुआ उगा हुआ मेरी गोल्ड है, आप लोग को देखने से पता चल रहा होगा क्योंकि ये जो स्प्राउटिंग के नोड होते हैं ना वो चीज़ें हैं, तो इससे पता चल जाता है कि ये सीड से लगे हुए पौधे हैं। हालाँकि इसको मैंने सीड से उगाया नहीं है, बट ये जो मेरे पास जो मालाएं नहीं आती हैं उनको ऐसे ही मैंने ज़मीन में डाल दिया था, उन्हीं से ढेरों सारे पौधे तैयार हो गए और भी हुए हैं। तो फिलहाल ये आप देख रहे हो ना इतने ढेरों सारे हो गए, तो अभी मैं इनको लगाने जा रही हूँ। अभी दोस्तों ये जो टाइम चल रहा है मेरी गोल्ड को कटिंग से सीड से दोनों से ग्रो करने का टाइम चल रहा है, तो अगर आपके पास पुरानी मालाएँ पड़ी हैं या गेंदे के फूल वगैरह हैं तो आप उनको गमले में डाल दीजिएगा, आपके पास एक से सैकड़ों प्लांट बन जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जरूर चाहिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब इस तरीके की वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। यहाँ पर दोस्तों मैंने सॉइल दिया हुआ है, सॉइल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। हालाँकि जो सॉइल है बिल्कुल नॉर्मल सॉइल है, मेरी गार्डन की सॉइल है ये। इसमें मैंने जो गार्डन सॉइल है वो है और सैंड ऐड किया हुआ है, प्लस इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट मिला के रखा हुआ था। पहले से सॉइल रेडी है दोस्तों, क्योंकि मैं बार बार सॉइल नहीं तैयार करती हूँ, बना के रख लेती हूँ। जब भी मुझे रिपोर्टिंग या कटिंग वगैरह लगानी रहती है तब मैं यूज करती हूँ। तो यहाँ पे मिट्टी आप वैसे नॉर्मल सॉइल में भी लग जाएगा, ज़रूरी नहीं आप कोई स्पेशल सॉइल बनाए। तो ये जो पौधे मैंने लिए अभी छोटे से सैपलिंग्स आप समझ सकते हो, तो अगर आप एक लगाते हैं पौधे तो थोड़ा सा गमला छोटा लीजिएगा। मेरा गमला है दोस्तों ये 10 इंच का है, तो इसमें मैं 4 पौधे एक गमले में लगाऊंगी। अभी छोटा है तो कोई नहीं, लगा सकते हैं इसी तरीके से। तो थोड़ा सा आपको ऐसे भी कर सकते हो, मिट्टी दोस्तों भुरभुरी रहती है, आराम से लग जाएगी, या फिर आप इस तरीके से होल करके भी लगा सकते हैं जिससे आपका जो रूट है वो ख़राब ना हो। फिलहाल हर तरीके से इनको हम ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट दोस्तों मेरी गोल्ड होता है, कटिंग से भी आसानी से लग जाता है। अगर आप इस टाइम में लगाते हैं तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये ढेरों सारे आपको फूल देंगे, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, जैसे कि अगस्त से शुरू हो जाता है तो फूलों के काम पड़ते हैं। तो अभी ये जो टाइम है इस टाइम इनकी आप कटिंग या फिर सीड ज़रूर ग्रो करें मेरी गोल्ड के। आप इस तरीके से लगाने के बाद में इसमें आप पानी डाल सकते हैं, और दोस्तों अगर सी बारिश हो रही है तो बारिश के पानी में इनको आप रख सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखें कि इनमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना होने पाए। और कटिंग लगाने के बाद पानी हल्का सा ज़रूर दे दें, मॉइस्ट रहनी चाहिए मिट्टी ताकि आपकी कटिंग सूखे ना, नमी रहेगी तो आपकी कटिंग जल्दी लग जाएगी। पानी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो गल भी सकती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। धूप डायरेक्ट धूप में मत रखिएगा, पार्शियल धूप जो होती है ना मॉर्निंग की धूप दोस्तों वो उनको मिल जाए वो इतना ही काफ़ी है। बाद में जब आपका प्लांट अच्छे से रेडी हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो इनको आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि जब तक इनको अच्छी सी धूप नहीं मिलेगी फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद मैं फर्टिलाइज़र वाली वीडियो में अलग से बना दूँगी क्या इनको देना है, अभी तो फ़िलहाल इस तरीके से आप अपनी जो सैपलिंग्स है या कटिंग है ग्रो कर सकते हैं। और भी बाकी बचे हुए हैं तो इनको भी मैं दूसरे गमले में दोस्तों लगा लेती हूँ। सेम मिट्टी दोस्तों यहाँ पे मैंने उसी तरीके से बनाई है, और उसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हमें लगा लेना है अपनी मेरी गोल्ड को, और बहुत ही अच्छे से। और दोस्तों मैंने 2 कलर के मतलब जो फूल थे डाले थे, एक ऑरेंज कलर का जो मेरी गोल्ड आता है और येलो कलर का वो भी था, तो दोनों में से कोई भी हो, फ्लावर तो फ्लावर ही होते हैं, खिलने लगते हैं गार्डन में तो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपनी जो मेरीगोल्ड की सैपलिंग्स थी दोस्तों लगा दी है। ये सीजनल प्लांट होते हैं,
अभी ग्रो कर लेंगे, सीड डाल देंगे या फिर कटिंग लगा लेंगे ना, तो बहुत अच्छे से आपको आने वाले टाइम में फूल देंगे। छोटे से भी रहते हैं तो ये अच्छे लगते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि घना रहे थोड़ा सा, तो आप पिंचिंग करते रहिए टाइम टाइम से, घना होता जाएगा और जितना घना होगा दोस्तों उतना ही अच्छे से लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरी गोल्ड की सीड्स या कटिंग जो भी हो आपके पास, उन्हें जल्दी से लगा लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो नए प्लांट्स के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।